हेलो एवरी वन एन वेलकम टू अचीव आई एस माने खाशरन और फिर से हमारा दा हिंदू का समय हो चुका है इसकी एनालिसिस जो है हमें रोज़ की तरह फिर से करनी है और आज हमारी जो डेट है वो है एटीन जनवरी 2021 आज मंडे है तो मंडे के न्यूज़पेपर में आपके एडिटोरियल्स तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं लेकिन इतने रेलिवेंट वो हमें नहीं मिलते मोस्टली मोस्टली जो आपके एडिटोरियल्स हमें अच्छे मिलते हैं वो ट्यूज़डे और वनसडे के टाइम पर ज़्यादा मिलते हैं ठीक है लेकिन फिर भी एक दो आर्टिकल ऐसे हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे एक न्यूज़ रिपोर्ट की ठीक है 2.24 पॉइंट टू फोर लैख वैक्सीनेटेड इन टू डेज़ फोर फोर्टी सेवन रिपोर्ट द एडवर्स रिएक्शंस तो दो दिन का जो समय हमें हो चुका है वैक्सीनेशन करते हुए सिक्सटीन जनवरी को ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे देश में स्टार्ट हुई थी अब दो दिन हो चुके हैं आज आपकी एटीनथ जनवरी है तो इन दो दिनों में जो ये बीते हैं इनमें हमने टू लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन इंडिविजुअल्स को जो है वैक्सीनेशन उनका कर दिया है ठीक है मतलब इन इनका जो इनाकुलेशन है वो कर दिया गया है और तो काफ़ी बड़ा ही अमाउंट है लेकिन जितना अमाउंट हमारी अथॉरिटीज़ की तरफ से एक्सपेक्ट किया गया था उतना अमाउंट उतने अमाउंट में जो है वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा लोगों ने जो है वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो जो बात हम लोग कर रहे थे ना पिछले एक दो हफ्ते से जब से अप्रूवल दिया गया था वैक्सीन uh, हेजिडेंसी की तो वो जो था वो फैक्टर वो अब कहीं ना कहीं प्ले में आता हुआ हमें धीरे धीरे दिख रहा है ठीक है तो 2.24 पॉइंट लैख जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया गया है देन विथ थ्री थाउजेंड वैक्सीनेशन साइट्स है द कैपेसिटी ऑफ परसेंट पर साइट द सेंटर हैड प्लान टू वैक्सीनेट थ्री लैख पर्सन नेशनली ऑन सैटरडे तो अब आपके हंड्रेड लोग जो हैं वो एक साइट पर वैक्सीनेट किए जा सकते हैं और ऐसी आपकी थ्री थाउजेंड साइट्स हैं तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हमारा हो जाता है थ्री लाख पर्सनस मतलब एक दिन में जो है तीन लाख लोगों तक तो को जो है हम वैक्सीनेट कर सकते हैं लेकिन फिर भी केवल एक दिन में ही नहीं बल्कि दो दिनों में भी जो ये तीन लाख वाला नंबर ये पार नहीं हुआ हमसे सिर्फ दो लाख चौबीस हज़ार लोगों का ही जो है वैक्सीनेशन हुआ तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर आपका प्ले में आ रहा है दै नेक्स्ट विद स्टेट गवर्नमेंट्स रिपोर्टिंग शॉर्टफॉल्स इन मीटिंग दियर कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन टारगेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट कपल ऑफ डेज हैज मेड वन थिंग क्लियर अपटेक ऑफ द वैक्सीन्स अमंग हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स इज अन इन मतलब इतनी ज्यादा भारी मात्रा में आपके जो ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं काफ़ी अनईवन जो है आपका रहा है हेल्थ अथॉरिटीज़ इवन इन वेरियस स्टेट साइटेड अ वेट एंड वॉच अप्रोच एज द मेन रीजन विद द वैक्सीनेशन विज सर्व बिंग वॉलन्ट्री पीपल आर सेट टू बी वेटिंग टू सी हाउ ऑलरेडी रिसीव द वैक्सीन फेयर ठीक है तो मतलब जो लोग हैं वो ये वेट कर रहे हैं कि हम लोग ये देख सकें कि जिन लोगों को दवाई मतलब वैक्सीन दे दी गई है वो उन लोगों पर कैसा असर कर रही है मतलब अगर अच्छा असर करेगी तो शायद फिर वो लोग आए वैक्सीनेशन करवाने के लिए मतलब पहले वो वेट एंड वॉच अप्रोच पर वर्क कर रहे हैं वट इज़ ऑल्सो क्लियर नाउ इज़ वैक्सीन हेजिटेंसी ठीक है हम इसकी बात करते हैं ना वैक्सीन हेजिटेंसी की तो देख लीजिए कि वैक्सीन हेजिटेंसी इवन अमंग मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स जो उनमें भी जो है वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई है जिस जवाब का हमें डर था वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है और थोड़े बहुत इश्यूज़ जो हैं वो कोविन ऐप में भी देखने को मिले जैसे कि जब हमने ड्राई रन कंडक्ट करवाए थे तो उस वक्त ऐसा कहा गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा कि हमें किसी भी प्रकार के ग्लिचेस देखने को नहीं मिले लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि कोविन ऐप में जो है हमें टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं तो यही बात है कि ड्राई रन बेशक सक्सेसफुल रहे लेकिन जब बात रियलिटी पर आती है एक्चुअल टर्म्स में इंप्लीमेंट करने पर आती है तो प्रॉब्लम्स जो है आपकी आनी ही आनी होती है तो वो जो है सबसे बड़ा चैलेंज हमने बताया था उस टाइम पे भी द नेक्स्ट है आपका द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म तो ये आपका मोस्टली अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है तो फिर थोड़ा करते हैं बात क्योंकि अमेरिका की फॉरन पॉलिसी का असर जो है हमें ग्लोबल ऑर्डर पर काफ़ी देखने को मिलता है तो इस वजह से हम थोड़ी बात कर लेते हैं इस पर तो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि फ्यू प्रेजिडेंट्स हैव ट्राइड टू आल्टर द फंडामेंटल्स ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सिंस द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर लाइक डोनाल्ड ट्रंप हैज डन इन द पास्ट वारियर्स मतलब किसी भी राष्ट्रपति ने जो है इतनी कोशिश नहीं की अमेरिका की फॉरन पॉलिसी को बदलने की जितनी की पिछले चार सालों में डोनल्ड ट्रंप ने कर दी मतलब बहुत सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स uh, में जो है चेंज डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ही पुट हिज अमेरिका फर्स्ट डॉक्टर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ इज फॉरेन पॉलिसी उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका जो ड्राइविंग प्रिंसिपल था वो आपका था अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका जो है उसको वो सबसे ज़्यादा भाव मिलेगा अमेरिका को उनकी फॉरेन पॉलिसी में मतलब जो चीज़ अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं होगी अमेरिका के लिए नहीं होगी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे ही डिक्लायर्यड द नाटो द बेडर ऑफ द ट्रांस एटलान्टिक मिलिट्री ऑपरेशन जो इतना फेमस आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है नाटो मतलब कोल्ड वॉर के टाइम से ही आपकी नाइनटीन फोटी नाइन में आपकी नाटो की फॉर्मेशन की गई थी तो इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो है काफ़ी आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे ये दिन उस नाटो के लिए भी नहीं रहे अब डोनल्ड दो, दो, ट्रम्प के टाइम पे ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो इतना क्लोज जिसके अमेरिका हमेशा से था नाटो के उसके साथ भी हमें थोड़ी सी अप एंड डाउन देखने को मिले बरिंग अ सीरीज़ ऑफ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स बिटवीन इजराइल एंड सम अरब कंट्रीज मिस्टर ट्रम्प डज नॉट हैव एनी मेजर फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट तो अगर हम मिस्टर ट्रंप की अगर फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट्स की बात करें तो जो एब्राहम रिकॉर्ड्स साइन किए गए इसराइल और बाकी कुछ अरब कंट्रीज़ के बीच में तो उनके अलावा तो उनके अलावा कोई और उनके अलावा कोई और फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में नहीं आती है ठीक है अगर हम बात करेंगे तो कोई और ऐसी अचीवमेंट हमें नहीं देखने को मिली बट ही इज़ मोर ऑफ डिस्टरप्टैन एन अचाइवर एंड ही हैज़ कोस डिस्ट्रप्शन इन अमेरिकाज फॉरन पॉलिसी विच कुड आउटलीव विज प्रेजिडेंसी तो बहुत सारी डिस्ट्रप्शन भी उन्होंने क्रिएट की तो वो जो है कहीं कही ना कहीं उसकी प्रेजिडेंसी के टर्म पर भारी पड़ी जिस जिसका रिजल्ट जो है हम इलेक्शंस uh, के रिजल्ट में देख सकते हैं अब आज आपकी एटीनथ जनवरी है परसों से जो बाइडन की एंट्री जो है वो हो जाएगी व्हाइट हाउस में वैन जो बाइडन व्हाइट हाउस एवरी वेरी सुन द बिगेस्ट फॉरन पॉलिसी मेक द ट्रंप टेक वॉशिंगटन बैक टू इट्स लिबरल इंटरनेशनल कंसेंसिस सबसे बड़ा चैलेंज जो जो बाइडन के लिए परसों से होगा वो यही होगा कि जितने भी डिस्ट्रप्शन डोनल्ड ट्रंप फॉरन पॉलिसी में लेकर आए उनको अन करना और अमेरिका को फिर से लिबरल इंटरनेशनल कंसेंसेस की तरफ वापस लेकर जाना क्योंकि अभी आइसोलेशन आप कह सकते हैं अमेरिका का होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि अपने ही दोस्तों के साथ भी रिश्ते जो है वो काफ़ी ख़राब होने लग गए थे बीच बीच में जो है आपको अप एंड डाउन देखने को मिल गए थे ठीक है इंडिया के साथ भी हुआ था इंडिया को कई बार टैरिफ किंग भी बोला गया कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स में देखने को मिली थी लेकिन फिर डिफेंस कोऑपरेशन हो गया तो मतलब काफ़ी बैलेंस सा एक रिलेशन रहा दोनों के बीच में इंडिया और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका एंड आइसोलेशनिज्म। अमेरिका आइसोलेशन डिड नॉट स्टार्ट विद मिस्टर ट्रम्प ये आइसोलेशन जो है ये मिस्टर ट्रम्प की टाइम पे पहली बार नहीं हुआ तो ये आपका सबसे पहली बार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ठीक है बिफोर द वॉर द यू एस emerging एमरजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर वॉज लार्जली एंड लार्जली एंड आइसोलेटेड कंट्री दैट वॉज फोकस्ड ऑन इट्स ऑन राइस एंड एक्सपांशन तो काफ़ी एक आइसोलेटेड uh, कंट्री उस टाइम पर भी जो है अमेरिका थी द इकोमिकैटेस्ट्रो ऑफ कोर्स बाय द ग्रेट डिप्रेशन एंड एंड लूजिस इट्स अफोर्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रॉमटेड द अमेरिकन आइसोलेशनस्ट इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव टू पुश फॉर अ पॉलिसी ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट इन यूरोपिनियन एशियन कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम पर जो है क्या पॉलिसी अपनाई गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्योंकि अमेरिका को काफी नुकसान भी हुआ था भारी इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ था तो जब उन्होंने सोचा कि हम जो है किसी भी जगह पर अपना अब इंटरफेयर नहीं करेंगे अपना इंटरव्यू हम लोग नहीं करेंगे तो इस वजह से जो है आइसोलेशन उनका स्टार्ट हो गया था तो फिर आपके आए ट्वेंटी अमेरिकन प्रेजिडेंट वुड्रो विल्सन वुडरो विल्सन तो उन जो ये आपके जो आप प्रेसिडेंट थे ये आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं आप देख सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल ऑफ लॉ विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल एंड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एंड एम्फेसिस ऑन ह्यूमन राइट्स तो कहीं ना कहीं ये लिबरल जिसकी हमने मॉडल की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले लिबरल इंटरनेशनल कंफ्रेंस की जब ने बात की थी तो उसके काफ़ी बड़े ये एडवोकेट थे ठीक है तो सेल्फ डिटर्मिनेशन इन सब के बेसिस पर जो है ये रिलेशन को बनाना चाहते थे लिबरल ग्लोबल ऑर्डर को लेकिन ऐसा जो है वो कुछ किया नहीं गया ठीक है द यूएस वाज नॉट इवन मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन अगर लीग ऑफ नेशन जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी ताकि आगे कोई ऐसी वॉर ना हो लेकिन वो फेल कर गई थी इवेंचुअली तो उस क्या मेंबर भी जो है अमेरिका नहीं था ठीक है तो अमेरिका ने जो है इस विलसोनियन इम्प्रिंट या विलसोनियन थ्योरी को बिल्कुल भी फॉलो उस टाइम पे नहीं किया उन्होंने जो है अपना आइसोलेशन बना के रखा कि हम जो है कहीं पर भी इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन जहाँ पे जब अमेरिका को फ़ायदा दिखना स्टार्ट हुआ तो फिर इस थ्योरी पर इस प्रिंसिपल जो है उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया और ये समय जब आपका आया तो उस समय को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है इन प्रिंसिपल्स को अपनाना अमेरिका ने स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें कम्युनिस्ट चाइन कम्युनिस्ट रशिया सोवियत यूनियन इनको कंट्रोल में रखना था स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम अ नॉमेटिव पॉइंट ऑफ व्यू द जियो स्ट्रेटेजिक चार्म लिबरल मॉडल आर्ग्यूमेंट अबाउट मॉरल आर्ग्यूमेंट अबाउट फ्रीडम हैज डिमिनिश इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑन द अदर साइड विद द राइस ऑफ रिलीज टेररिज्म इवन लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्मेंट स्टार्ट arming themselves विद मोर powers that often clash with civil सिविल सिविल लिबर्टीज़ तो गोल्ड वार के बाद जो है कुछ चेंजेस देखने को मिले जैसे कि democratic जैसे कि आपकी रिलीजियस टेररिज्म काफी बढ़ गया तो उसकी वजह से जो आपकी लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी जो है अपने आपकी अपने हमारी उनकी जो मिलिट्री पावर थी उनको बढ़ाने की कोशिश की उनको बढ़ाया ठीक है और ये कहीं ना कहीं क्लैश करेगी आपकी सिविल लिबर्टीज़ के बाद ठीक है और अमेरिका ने भी जो है ऐसे ही शिफ्ट हमें देखने को मिला अमेरिका जहाँ एक टाइम पर कहीं पे भी अपना इंटरफेरेंस नहीं चाहता था करना नहीं चाहता था तो फिर उसने इतना कर दिया कि यूगोसाविया में जो आपकी गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पर भी अमेरिका ने रोल प्ले किया उसके बाद योगो आपकी बट भी गई ठीक है और देन इन अफ़ग़ानिस्तान आफ्टर नाइनटीन ईयर्स ऑफ वॉर द यू एस है स्ट्रक डील विद तालिबान उसके बाद जब नाइन अलेवन के हमले हुए तब अफ़गानिस्तान में भी जो है जो है इंटरवीन किया अमेरिका ने इराक़ में किया ठीक कि है जबकि गल्फ़ वॉर हुई थी वहाँ पर भी जो है इराक में भी अमेरिका ने इंटरफेयर किया दैन उसके बाद जो लीबिया में नाटो के द्वारा उसको करवाया गया था ना आज़ाद लिबरेटेड बाई नाटो लीबिया तो वहाँ पर अब क्या हो गया कि वहाँ पर आपकी दो सरकार बन चुकी हैं दो सरकार हैं दो आर्मी हैं बहुत सारी मिल, आ, मिलिशिया ग्रुप्स हैं एंड देन रीजनल पावर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है ईरान और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उन पर जो है इतना कॉन्फिडेंस था नहीं अमेरिका को कि हम जो है बल के इस्तेमाल से इनको अपनी तरफ ले सकते हैं या फिर इन पर अपना हक जमा सकते हैं ठीक है द इनएबिलिटी टू विन वॉर्स एंड प्रोलॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स टर्न फॉर इंटरवेंशन अनपॉपुलर अगेन तो शिफ्ट तो आया था आपका जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी कि इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था इसी कि राह ने बताया लेकिन कुछ जब रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर ये आपका फिर से अनपॉपुलर बनता जा रहा है ठीक है जैसे अफगानिस्तान में क्या किया 19 साल तक लड़े कुछ फ़ायदा उसका हुआ नहीं और फिर डील ही कर रहे तालिबान के साथ अब उसको छोड़ के आ रहे हैं ना वहाँ के जो ट्रूप्स हैं अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो छोड़ कर तो आ ही रहे हैं अमेरिका अफगानिस्तान को तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उन्नीस साल तक आपने किया अब फिर से तालिबान के हाथों में फिर से अफ़गानिस्तान को दे रहे हैं तो बहुत रिस्क वाली बात है ना ही नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को आप कंट्रोल में कर पाए ना ही लीबिया में आपने इंटर इंटरफेयर किया उसके बाद आप कुछ कर पाए तो फिर से ये जो रीजंस है ना इसकी वजह से ये आपका फॉरेन इंटरवेंशन जो है फिर से अनपॉपुलर बनता जा रहे हैं तो अब फ्रॉम ट्रम्प टू बाइडन अब ट्रम्प के बाद आपके जो बाइडन परसों आ रहे हैं द राइस ऑफ मिस्टर ट्रम्प टू पावर इन द एस द लीडर ऑफ द वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर वॉज द शार्पेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑफ दिस टेक्टोनिक शिफ्ट दैट हैज बिन अंडर वे ठीक है तो अब क्या है कि अनसरप्राइजिंगली मिस्टर ट्रंप अ प्रोडक्ट ऑफ द क्राइसिस इन ग्लोबलाइज कैपिटलिज्म टुक द यूएस बैक टू प्रूवर आइसोलेशनिज्म तो मिस्टर ट्रंप जो है वो फिर से अमेरिका को आइसोलेशनिज्म की तरफ वापस ले गए इट मे नॉट बी अ कॉन्स्टिडेंस दैट मिस्टर ट्रंप इज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेजिडेंट सिंस जिमी कार्टर हु हुज़ नॉट लॉन्च अ न्यू वॉर और जो आपके मिस्टर ट्रंप हैं वो जिमी कार्टर के बाद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कोई नई वॉर स्टार्ट नहीं की वरना हर किसी राष्ट्रपति ने आने के बाद एक नई वॉर स्टार्ट की थी ठीक है का मतलब कहीं ना कहीं जो है इंटरफेयर जरूर किया था डोनल्ड ट्रंप ने कहीं नहीं किया मिस्टर बाइडेन फॉरेन पॉलिसी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प्स मिस्टर बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मिस्टर ट्रंप से अलग काफ़ी हद तक रहेगी हमें पता है uh, जो डोनल्ड uh, ट्रंप ने क्या क्या किया था डोनल्ड ट्रंप ने तो सारी मल्टी लेटरल में से अमेरिका uh, को निकाल दिया था क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो आपका था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड उसमें से भी जो है आ, विड्रो करवा दिया था अमेरिका को डब्ल्यू से भी निकाल लिया था और जो आपकी ईरान न्यूक्लियर डील थी उसमें से जो है विड्रो कर लिया था ओपन स्काई स्टेडियम से विड्रो कर लिया है तो इन सब चीज़ों को जो है अंडू करेंगे डेफिनेटली आपके जो बाइडन जब आएंगे उन्होंने तो क्लियरली कहा था कि वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में फिर से अमेरिका को वापस लेकर आएंगे डब्ल्यू को फिर से लेके आएंगे क्योंकि डब्ल्यू की फंडिंग पर काफ़ी ख़राब असर जो है अमेरिका के विड्रोल से पड़ेगा डेफिनेटली जिससे कि जो वर्ल्ड हेल्थ है उस पर काफ़ी ख़राब असर हमें देखने को मिल सकता है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ईरान को फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद ईरान को थोड़ा रिलीफ मिले थोड़ा सेंक्शन जो है उनके ऊपर से हटाए जाएँ तो मतलब जो चेंजेस मिस्टर ट्रंप ने किए उसका बिल्कुल उल्टा जो है हमें देखने को मिल सकता है जिस ऑर्डर की बात मिस्टर विल्सन ने की थी उस ऑर्डर की तरफ जो है हमें जो बाइडन लेके जा सकते हैं और जो अमेरिका का जो ये आइसोलेशन इज इसको जो है आ, हम खत्म होते हुए देख सकते हैं जो आइसोलेशन अमेरिका का था ठीक है ये आपका ख़त्म हो सकता है ऐसी हमें उम्मीद है लेकिन फिर था क्या कि एक चैलेंज ये है जो बाइडन के सामने कि पहले क्या था कि पहले जो आपकी अलाइज थे नाटो के अलाइज थे ट्रांस एंडलान्टिक वहाँ पर कंसेंसस था वहाँ पर आपस में एग्रीमेंट था ठीक है मतलब सहमति हो जाती थी लेकिन आज के टाइम पे क्या किया ऐसी सहमति नहीं बन पाती है ठीक है वो जो कंसेंसस था वो अब नहीं है तो उन वो जो गैप अब बन चुका है उसको ब्रिज करने का जो काम होगा वो काफ़ी चैलेंजिंग जो बाइडन के लिए रहने वाला है ठीक है नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो में भी जो है इतना कंसेंसस हमें देखने को नहीं मिलता है टर्की क्या था टर्की नाटो का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर था लेकिन फिर भी उसने अमेरिका की बात नहीं मानी और जो रशिया से उसका प्रोक्योरमेंट होने वाला था एस फोर हंड्रेड का वो उसने कैरी ऑन किया ठीक है वो कंटिन्यू रखा और उनको प्रोक्योर भी कर लिया तो इससे में पता लगता है कि कंसेंसस की कहीं ना कहीं कमी है तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज जो है जो बाइडन के लिए होने वाला है तो नेक्स्ट आपका राइज ऑफ शेडो एंट्रप्रनोरशिप यहाँ पर बात करेंगे एक आपका ये अगला आर्टिकल है ठीक है तो शेडो एंट्रप्रनोर क्या होता है कि ये भी आपके लेजिटिट गुड्स जो है बेचते हैं, हैं आपके जो एंट्रप्रेनोर होते हैं ये कंपनीज जो आपकी होती हैं लेकिन ये बिजनेस के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होती ठीक है बिज़नेस के तौर पर ही रजिस्टर्ड नहीं होती तो रजिस्टर्ड नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके एम्बिट से बाहर रहती हैं ठीक है थीके, उनके कंट्रोल से बाहर रहती हैं तो ये जो है कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करते हैं तो इस वजह से यहाँ पर आपके अब ये जो है ऐसी मांग उठ रही है कि इनको आप जो है मॉनिटर करो इनको रेगुलेट करें ताकि कोई ज्यादा क्राइम में हमें स्पाइक ना देखने को मिले क्योंकि इन शेडो एंटरप्रनोरशिप के थ्रू जो है काफी बड़े अमाउंट में हमें क्राइम्स में स्पाइक देखने को मिल रहा है ठीक है तो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया है कि एक प्रोफेसर थे आपके बिजनेस स्कूल में जिन्होंने अपनी Uh, कुछ स्टूडेंट्स को फेक सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाए थे क्योंकि उन्होंने उनसे क्लास अटेंड की थी ठीक है जो बच्चे थे वो उस टीचर के पास पढ़ते थे तो उन्होंने क्या किया कि, कि जिस बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ से उन्होंने उनको फेक सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए उसके बाद जब उस स्कूल को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने जो है उनको सस्पेंड कर दिया ठीक है तो दिस इज़ अ कॉशनरी टेल फॉर द ग्लोबल राइज ऑफ शेडो एंट्रप्रेनरशिप इन्होंने एक कहानी सुनाई कि आप इससे शेडो एंट्रप्रेनरशिप के जो इम्पैक्ट uh, जो मतलब खराब इंप्लीकेशनस हैं ठीक है उसका पता लगा सकते हैं नॉट जस्ट इन एजुकेशन बट अदर सेक्टर एज फाइनेंस द बैटिंग इकोनॉमी एंड हेल्थ केयर तो सिर्फ एजुकेशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकता है वो फाइनेंस आपको हो सकता है वो आपकी बैटिंग इकोनॉमी जो आप ऑनलाइन गेम्स देखते हैं ना प्लेयर रमी या फिर आप ड्रीम एलेवन ये सब तो उस पर उसका भी हो सकता है देन हेल्थ केयर ई फार्मेसीज फार्मीजी जो आपका ये सब रहता है ठीक है गिवन द पोटेंशियल पवर्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ शेडो एंट्रप्रेनोर इन द लॉन्ग रन फॉर कंज्यूमर वेलफेयर रेगुलेट रेगुलेशन इज़ नीडेड टू मॉनिटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज तो यहाँ पर जो है रेगुलेशन की उन्होंने बेसिकली बोला है द सप्लाई एंड डिमांड शॉक तो सप्लाई एंड डिमांड शॉक आपका कोविड नाइन्टीन पे हमें काफ़ी देखने को मिला ठीक है सप्लाई रिसेप्शन देखने को मिले क्योंकि आपका लॉकडाउन लग गया था फिर डिमांड शॉक देखने को मिला क्योंकि इनकम लोगों के पास नहीं थी लोगों की जो नौकरियां हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में छूट गई थी जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे थे नहीं खर्च करने के लिए तो डिमांड कहाँ से आती तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए जो आपके शैडो इंटरप्रनोर हैं ये आ, इलीगल प्रॉफिट कमा सकते हैं इस, इस बात का फायदा उठाते हुए ठीक है शेडो इंटरप्रेनोर ऑफरिंग द एल्यूअर ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सर्विसेज कैन हेल्प रिलीज द एसोसिएटेड डिस्ट्रॉक्शन फ्रिक्शन इन द मार्केट बाय ऑफरिंग कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज द ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स मे भी कंस्टेंटेंट टू ऑफर और कंज्यूमर माइट नॉट बी एबल टू एक्सेस ड्यू टू लॉकडाउन कंस्टेंट ठीक है तो इन्हीं बात का फायदा उठाते हुए जबकि शेडो इंटरप्रेनोर जो चीज़ें आपके सप्लायर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो उन चीज़ों को जो है प्रोवाइड करवा देते हैं ठीक है कुछ आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू एलोअर करके मतलब ठीक है एंड देन जिन चीजों को कंज्यूमर गंसु, गंसु, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ठीक है तो उस बात का फायदा उठा लेते हैं वो लोग ठीक है दिस कुड प्रोड्यूस डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड कंज्यूमर टूवर्ड्स दिस न्यू मार्केट्स प्रोवाइडेड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर्स फॉर मार्केट्स इट मे सेल्फ करेक्ट यूजिंग द इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल द इनिशियल स्पाइक इन डिमांड एंड स्विंग लॉकिंग इफेक्ट्स माइट एम्प्लाय हाई मार्केट पावर फॉर अर्ली मूवर्स तो फिर इन्होंने बताया कि जो आपके डीप पॉकेट्स वाले लोग हैं उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है ठीक है स्मॉल फॉर्म्स विल बी ला विल बी एक्वायर्ड बाई लार्ज फॉर्म्स जो आपकी स्मॉल कंपनीज हैं ठीक है उसको जो है बड़ी कंपनीज एक्वायर कर लेंगी द मैनिफेस्टेशन ऑफ सच मार्केट पावर विल हैपन थ्रू अ वेराइटी ऑफ वे बियॉन्ड द ऑब्वियस प्राइस सेटिंग इफेक्ट्स और इसका हमने एक इफेक्ट अभी चाइनीज़ जो आपके इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर्स आपने देखा तो ना जिसकी साउथ इंडिया में हमने काफ़ी केसेज देखे कि लोगों ने चाइनीज एक ऐप था उससे लोन तो ले लिया उसके बाद फिर ऐसी कुछ सर्कम्स्टांसिस क्रिएट हो गए कि उन लोगों ने सोसाइडी कर लिया डायरेक्टली सुसाइड कर लिया ठीक है तो मतलब ये इन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है और इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल हमें डेफिनेटली करने की जरूरत है सच टेक्नोलॉजी मीडिएटेड शेडो एंट्रप्रीन प्लेटफॉर्म्स कुड ऑल्सो हार्बर्ड लेस देन सेफ प्रोसेस एज इट हैपनिंग विद हेरासमेंट इन इंडियन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स ठीक है तो हरेसमेंट और कुछ और भी बाकी के आपके गलत एक्ट्स हैं जिन जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं देन वट इज़ द वे फॉरवर्ड तो वे फॉरवर्ड वही है कि स्ट्रांग मॉनिटरिंग की हमें ज़रूरत है ठीक है स्ट्रांग मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी वुड बी एजेंशियल दिस नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद नॉन कम्प्लायंस बिंग पनिशेबल विद द जेल टर्म उसके साथ में अगर कोई लो अगर कोई कंपनी uh, आपकी टर्म्स कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है तो जो है उसको हम पनिश भी कर सकते हैं ठीक है उनके ऊपर उन पर जो है हम कुछ अपना क्लैम्प डाउन कर सकते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसिस हम स्ट्रिक्ट उनके सामने ला सकते हैं उनको हम जो है चार्ज कर सकते हैं क्रिमिनली ठीक है तो ये सारे काम हमें करने की ज़रूरत है दो शेडो फॉर्म्स डेट कंप्लाई आर मोर देन वेलकम टू जॉइन द डोमिनेंट मोड ऑफ सर्विस डिलीवरी विद नो शेडो फॉर्म्स तो जो कंपनी Uh, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए रेडी हैं उनको पूरा वेलकम में करने की जरूरत है बट विदाउट रेगुलेशन द सिचुएशन कुछ पैरल आउट ऑफ कंट्रोल लेकिन अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो जो आपकी स्थिति है वो हालत से वो, वो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी वो हमारी हाथ से बाहर कंट्रोल से बाहर जो है वो निकल जाएगी ठीक है देर ऑल्सो नीड्स टू बी एन एसोसिएटेड हारमोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन कॉम्पिटिशन अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ठीक है तो लेकिन एक क्या एक्टिव हार्बोनाइजेशन uh, की ज़रूरत है ठीक है जो हमारी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं ठीक है जैसे कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गई दैन आपके बाकी के डिपार्टमेंट्स जैसे हेल्थ केयर एजुकेशन और फाइनेंस इनके बीच में जो है हमें एक एक्टिव हार्बोनाइजेशन की ज़रूरत है ताकि अच्छे से रेगुलेशन किया जा सके और ये जो आपकी शाइडो एंटरप्रेन्योरशिप के जो गलत इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कोई आपकी जो कंपनीज़ किसी इल uh, परपज से सारे काम कर रही है तो उनको जो है हम कंट्रोल कर सकें ठीक है तो ए, एडिटोरियल में आपका यही आस्क में आपका इंपॉर्टेंट था एक आपका मैं आपकी बात करूँ एडिटोरियल की तो एक आपका वैक्सीन को लेकर आया हुआ है ठीक है तो वैसे एडिटोरियल बहुत सारे रिसेंटली हो चुके हैं तो वही सेम सेम बात उसमें आती रहती है देन वे एक आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऊपर एक आपका आया हुआ है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड इतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं काफ़ी फेमस जो स्पीच थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आई एवी ड्रीम वाली उसके बारे में उसमें बताया गया तो आप उसको पढ़ सकते हैं पढ़ने में अच्छा लगेगा मैंने पढ़ा है ठीक है द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड द जी सेवन समिट जो यू के है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जी सेवन समिट के लिए इन्वाइट किया है ठीक है जी सेवन का पार्ट इंडिया नहीं है लेकिन फिर भी जो है एक फॉर्मल इन्विटेशन दिया जा सकता है जैसे कि लास्ट टाइम फ्रांस ने इंडिया को इन्वाइट किया था और मोदी जी गए भी थे ठीक है तो जून में जो है ये आपकी समिट होल्ड की जाएगी तो इस वजह से मिस्टर मोदी को जून में इस समिट के लिए बुलाया गया है और इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी जो है इनवाइट किया गया है और दोनों ही कंट्रीज़ ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया जिनके साथ अभी रिश्ते इंडिया के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं तो जी सेवन है क्या जी सेवन के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ़ सेवन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसमें आपको जो मेम्बर्स हैं वो आपके कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यू के एंड यू एस तो ये सारे आपके सात कंट्रीज़ जो है वो जी ग्रुप ऑफ सेवन का पार्ट है ठीक है कौन कौन सी ये कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान, यूके एंड यूएस. ठीक है तो ये आप नाम प्लीज़ याद रखें आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है जैसे अभी आपका जो 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें आपका जी को लेकर क्वेश्चन आया था ठीक है तो आप इसको याद रखें और अगर हम कुछ स्टैट्स तो तो की बात करें तो जी सेवन रिप्रजेंट्स फिफ्टी एट परसेंट ग्लोबल नेट वेल्थ जो ग्लोबल नेट वेल्थ है उसमें फिफ्टी एट परसेंट जो है वो आपका जी सेवन मेम्बर कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलेगा मोर देन फोर्टी सिक्स परसेंट ऑफ़ द ग्लोबल जी डी पी और जी डी पी की बात करें तो फोर्टी सिक्स परसेंट से ज़्यादा जी डी पी जो है वो आपका जी सेवन कंट्रीज में है ठीक है एंड मोर देन थर्टी टू परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डी पी बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी तो अगर हम पी 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 की टर्म्स में बात करें ट्रिपल पी की टर्म्स में तो वो जो जीडीपी का जो नंबर जो आता है वो आपका थर्टी टू परसेंट जो है वो इन जी सेवन कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा तो ये आप स्टेट्स अगर याद रखेंगे इनको अपने आंसर में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे और जबकि फॉर्मेशन इसकी की गई थी ना जी सेवन की वो आपकी की गई थी नाइनटीन सेवनटी थ्री का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था तो उसके बाद नाइनटीन सेवनटी फाइव में इसको फॉर्म किया गया था इकोनॉमिक कंसर्नस को डिस्कस करने के लिए मेनली ठीक है लेकिन उसके बाद जो इसका स्कोप है वो काफ़ी अब वाइड हो चुका है काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है तो अब जो है सिर्फ इकोनॉमिक कंसर्नस को ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अब बाकी सारी जो कंसर्नस इश्यूज़ हैं उनको भी जो है ये लोग उठा लेते हैं ये जो आपका ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है तो नेक्स्ट आपका सेंटर एक्सटेंड्स पवन हंस बिडिंग डेडलाइंस बाय अ मंथ पवन हंस आपका जो पीएसयू है उसके जो डिस इन्वेस्टमेंट के पूरा प्रोसीजर था उसकी डेडलाइन को गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के लिए एक महीने के लिए सॉरी एक्सटेंड कर दिया है ठीक है द फाइनेंस मिनिस्ट्री है एक्सटेंडेड द बिडिंग डेडलाइन फॉर द स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पवनहेंस बाई अ मंथ साइटिंग लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरेस्टेड बिडर्स ड्यू टू द कोविड एंड पैंडमिक कोविड एंड पैंडमिक की वजह से जो चैलेंजेस बिडर्स को फेस करने पड़े उसके तहत जो है आ, ये जो एक मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है वो दिया गया आपका, है आपका ठीक है दिस मार्क्स अनदर सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट्स ऑलरेडी डेंटेड प्लान्स टू रेज रुपीज़ टू पॉइंट वन लाख करोड़ जो आपके पिछले बजट में बात की गई थी ना कि गवर्नमेंट इस वाले फाइनेंशियल ईयर में टू पॉइंट वन लैख करोड़ रुपीज़ जो है डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेस करेगी तो वो जो है यहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगा क्योंकि इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो सिर्फ फोटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का ही जो है पैसा रेस किया गया अभी तक ठीक है डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू तो काफ़ी पीछे जो हमारा एक्सपेक्टेड नंबर था उससे काफ़ी पीछे जो है हम लोग चल रहे हैं तो so, दिसंबर 2020 में जो है गवर्नमेंट ने बिडर्स को इनवाइट किया था कि 51 परसेंट स्टेक जो पवन हंस में है वो लोग ले सकें ठीक है जनवरी 19 जो थी वो उसकी डेडलाइन थी लेकिन इसको बढ़ा के अब मार्च कर दिया गया है ठीक है मार्च की डेडलाइन जो है कर दी गई है द बैलेंस 49 परसेंट स्टेक इन द फॉम इज़ ओन बाय ओ तो फिफ्टी वन परसेंट स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला है ठीक है मतलब 51 वन परसेंट स्टेक जो है वो आपके बिडर्स को मिल सकता है और बाकी का जो बचा हुआ 49 परसेंट स्टेक है वो आपका ओ के पास है ठीक है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉपरेशन पता होगा ना आपको काफ़ी फेमस कंपनी है ठीक है ये पी एक ठीक है तो उसके पास आपका स्टेक है एंड द सक्सेसफुल बीडर वुड गेट एन ऑप्शन टू बाय आउट द ऑयल मेजर स्टेक ऑन अ सिमिलर प्राइस एंड टर्म्स एज एग्रीड ऑन फॉर द सेंट्रल स्टेक तो ऐसा हो सकता है कि बाद में जो आपका ये ओ का जो स्टेक है उसमें भी स्टेक जो है वो आपके प्राइवेट बीडर्स को दे दिया जाए तो पवन हंस है, पवन हंस है आखिर है आखिरकार है क्या किस तरह का ये आपका पी एस है ठीक है तो पवन हंस लिमिटेड इज़ अ हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली तो आपकी एक हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है ये ठीक है जैसे आपकी एयर इंडिया है वैसी आपकी पवन हंस जो है वो आपकी हेलीकॉप्टर की है एयर इंडिया है आपकी मोस्टली एयरप्लेन्स में डील करती है ठीक है मतलब एयर सर्विस है वो आपकी पवन हंस इज़ अ मिनी रत्न वन कैटेगरी पी इट हैज़ कम्युनिटेबल फ्रॉन मोर देन वन मिलियन आवर्स एंड हैज़ है एंड हैज हैड 2.5 मिलियन लैंडिंग्स ऑन इट्स फ्लीट सिंस इट्स फॉर्मेशन तो इसकी फॉर्मेशन के बाद से अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख घंटे जो है ये अपने हवा में बिता चुकी है मतलब इसके हेलीकॉप्टर्स जो है अपने हवा में हवा में बिता चुके हैं और ढाई लाख से ज़्यादा जो है इसकी लैंडिंग्स इसकी फ्लीट के मेबर्स में जो हेलीकॉप्टर्स है हैं वो कर चुके हैं ठीक है द ऑपरेशन आर बेस्ड एट द जूहू एरोड्रोम इन मुंबई इन वेस्ट मुंबई ठीक है तो पवनन्स जो आपकी एक हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है तो याद रखना प्लीज़ तो बाकी अगर न्यूज़ की बात करें तो एन आई एग्जामि खालसा एड फंक्शनरी इन एफ एस एफ जे केस खालसा एड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में सेशनिस्ट सेसन, एक्टिविटीज़ और प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है तो एन आई ए ने जो है खालसा एड के कुछ फंक्शनरी को एग्जामिन किया है अपोजिशन डिमांड्स इंक्वायरी टू अर्नब्स व्हाट्सएप चैट्स जिसकी हमने कल बात की थी कि अर्नब गोस्वामी और जो आपके एक्स बी ए आर सी के चीफ थे उनके बीच में जो व्हाट्सएप चैट आजकल काफ़ी वायरल हो रही है उसमें उन्होंने बालाकोट एयर स्टैक्स के बारे में बात की थी तो जो आपकी अपोजिशन मेम्बर हैं उन्होंने जो है इस पर इंक्वायरी के लिए कहा है क्योंकि मैं काफ़ी मैं भी इनसे यहाँ पर सहमत करता हूँ क्योंकि अगर एक कितना नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना सेंसिटिव टॉपिक ठीक है इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव इंटेल अगर किसी सरकार के बाहर के इंसान को पता है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक वो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो इंसान सरकार का पार्ट भी नहीं है आप उसको इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ठीक है तो अगर ये सच है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्वायरी की जाए एयर इंडिया टू शो केस इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स तो जब आपका एरो इंडिया है वो इंडिया के जो इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शोकेस किया जाएगा यूके के चाइना टू ग्रांट यू एन एक्सेस टू शिंगजियांग जो यूके है उन्होंने चाइना को कहा है कि आप शिंगजियांग प्रोविंस में यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स को एक्सेस दीजिए ठीक है तो मैं आपको शिंगजिया शिंगजियान एक बार आपको मैप में दिखा दूंगा ठीक है ईरान डिनाइट्स क्लेम इट वॉज मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स तो ईरान ने कहा है कि हम जो है कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं बाइडन रॉप्स इन ट्वेंटी इंडियन अमेरिकन सेवनटीन इनकी व्हाइट हाउस पोजिशन तो बाइडन ने क्या किया है कि बीस इंडियन अमेरिकन्स को अपने जो उनकी सारी टीम रहेगी पूरी उसमें जो है लिया है उनको ऐड किया है ठीक है और जो सत्रह उनमें से है वो आपकी वाइट हाउस पोजीशन जो है मतलब की वाइट हाउस पोजीशन जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है वहाँ पर जो उनको जगह दी गई है तो ये आपका चाइना है ठीक है चाइना में मैंने कहा था शिंगजियांग दिखाऊंगा तो ये आपका जो पूरा एरिया है ये है आपका शिंगजियांग वाला प्रोविंस जहाँ पर आपके व्यूगुर मुस्लिम जो रहते हैं वो रहते हैं ठीक है ठीके? तो ये काफ़ी एलिगेशन यहाँ पर लगाए गए हैं चाइना के ऊपर कि यहाँ पर एक मैसिव ह्यूमन राइट वोलिशन यहाँ पर होता है ठीक है कंसनट्रेशन कैंप्स यहाँ पर बनाए हुए हैं डिटेंशन सेंटर यहाँ पर बनाए हुए हैं लेकिन चाइना का कहना है कि वो आपके वोकेशनल सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है उनको वोकेशनल स्टडी की पढ़ाई करवाते हैं ठीक है तो यहाँ पर डेफिनेटली चाइना को एक्सेस देना चाहिए अगर सच्ची में ऐसा कुछ है तो ठीक है तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कोई प्रॉब्लम आपको हुई नहीं होगी ठीक है एक आर्टिकल आपका अन अकेडमी की तरफ से आया हुआ है उसको आप डेफिनेटली पढ़ें काफ़ी अच्छा वो है हम उसको यहाँ पर नहीं लगा सकते कॉपीराइट्स की वजह से ठीक है तो आप उसको पढ़िए और खूब आगे बढ़िए अब है। मिलते हैं आपसे कल थैंक यू सो मच सब्सक्राइब अचीव आई एंड सेंट जॉइनेस ऑन टेलीग्राम थैंक यू